लाइफ को आसान करने के लिए हम कई तरह के अलग अलग होम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं ना, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही हॉल लेकर आई हूँ। जी हाँ, होम अप्लाइंसेस हॉल। वैसे तो मैं हमेशा क्लोथिंग हॉल या ज्वेलरी हॉल या पता नहीं कौन कौन सा हॉल लाती थी, पर इस बार का हॉल आप सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने जो चीज़ें लाई है घर में वो सच में इतनी अच्छी है कि लाइफ उससे बहुत आसान हो गई है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए दिखाती हूँ आप सबको। और हाँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप एक बहुत ही प्यारा सा ब्लेंडर देख सकते हैं, है ना प्यारा सा, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से मेरे पास पैक होकर आया था इस डिब्बे में। तो ये है ब्रायडन का फीटो जिम पोर्टेबल रिचार्जेबल ब्लेंडर। जी हाँ, ये पोर्टेबल ब्लेंडर होने की वजह से मैं इसे कहीं पर भी आसानी से कैरी कर सकती हूँ और कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। कहीं पर भी मतलब कहाँ पता है, सिर्फ घर पर नहीं, कार में, ऑफिस में, जिम में या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रही हूँ तो वहाँ पर भी इसे कैरी कर सकती हूँ। क्योंकि ये आता है पावरफुल 4000 mAh रिचार्जेबल बैटरी के साथ, जिसकी वजह से ये काफ़ी लंबे तक चलता है। एक बार बस मुझे इसे चार्ज करना है, चार्ज करना काफ़ी आसान है, बस इसे प्लग इन कर दो इस तरह से और ये चार्ज होना चालू हो जाएगा। जब चार्ज होता है तो यहाँ पर आपको लाल कलर की ये लाइट दिखने लगती है, तो बस एक बार चार्ज कर दो और फिर क्या, मल्टीपल टाइम इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसमें पता है आपको मैं क्या क्या बना सकती हूँ? इसमें फ्रूट जूसेस, बेबी फूड, प्रोटीन शेक्स, बूस्ट वेज जूसेस, थिक शेक्स, हेल्दी स्मूदीज और बहुत सारी चीज़ें, वो भी सिर्फ थोड़े से सेकेंड्स में। मैंने वैसे यहाँ पर देखिए क्या बनाया, स्ट्रॉबेरी शेक, बहुत बढ़िया बना था, बहुत आसानी से कुछ सेकेंड्स में ये स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया था और पीने में तो बहुत ही मज़ा आ गई। अच्छा, ये जो जार है ना, ये 400 ml कैपेसिटी के साथ है और ये ट्रिटन फूड ग्रेड मटेरियल का है, जिससे ये BPA फ्री भी है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल और अनब्रेकेबल भी है। और इसमें सेफ्टी का खास ख्याल रखा है, वो भी बच्चों के लिए। अभी इसमें चाइल्ड लॉक जो सेफ्टी फ़ीचर है वो ये है कि अगर सही से ये बंद ना हो ना, ये चालू ही नहीं होगा। तो ये वाला फ़ीचर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये आता है SS304 डाइना 6 ब्लेड्स के साथ। जी हाँ, 6x ब्लेड के साथ आता है और 7.4V हाई RPM DC मोटर के साथ आता है। इतना ही नहीं, एक साल की वारंटी भी इसके ऊपर है। सो ओवरऑल मैं तो बहुत खुश हूँ ये ब्रायडन के फीटो जिम रिचार्जेबल ब्लेंडर के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास आकर ना सच्ची में मैंने अपनी लाइफ जो है बहुत आसान और हेल्दी बना दी है। देखिए, अभी गर्मी में ना मुझे बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी हाँ, आप यहाँ पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, ये है Geek Aire 4-inch रिचार्जेबल मिनी फैन। इस बॉक्स को तो मैं खोल ही रही हूँ, पर मैं आपको बता दूँ, ये रिचार्जेबल मिनी फ़ैन अब मैं कहीं पर भी लेकर जा सकती हूँ। अब मुझे किचन में गर्मी नहीं लगेगी या शूट करते समय भी कोई गर्मी नहीं लगेगी, या फिर मैं आउटडोर पर शूट कर रही हूँ तो भी गर्मी नहीं लगेगी। और इतना ही नहीं, इसे आप ऑफिस लेकर जा सकते हैं, ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, और हम औरतों के लिए तो ये किचन में ही काफ़ी बढ़िया से काम में आ जाएगा। तो ये जो 4-inch का रिचार्जेबल मिनी फ़ैन जो है, एरोडायनामिक 6-blade डिज़ाइन से बना हुआ है। इसकी मूविंग एयर स्पीड जो है अप टू 27 ft/s है। ये आपको 5-speed सेटिंग की हवा देता है। जी हाँ, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिटैचेबल पावर बैंक के साथ आता है। ये जो डिटैचेबल पावर बैंक है, ये आता है 2600 mAh इथिनियम आयन रिचार्जेबल बैटरी के साथ। इसकी बेस्ट पार्ट यही है कि ये जो डिटैचेबल बैटरी है, ये निकल जाती है। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और मैं आपको बता दूँ, आप इसे अपने पावर बैंक से भी कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी लंबा चलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि चार्ज करने के बाद कितना चलता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये 3 घंटे तक चल सकता है हाई स्पीड में, और अगर मैं इसे लो स्पीड में चलाऊँ तो 9 घंटे आराम से चल लेता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सिंपली मुझे प्रेस करना है ये पावर वाली बटन और सेट करना है स्पीड। जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँगी, जो ये ब्लू LED लाइट जो दिख रही है ना, जो इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट करती है फ़ैन की स्पीड। तो बस
जैसे जैसे ये बढ़ते हुए दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्पीड क्या है। तो ये वाइट एलईडी लाइट जो है बहुत ही प्यारी दिख रही है इसके ऊपर इस तरह से। और बिल्कुल भी सेफ्टी के लिए परेशान मत हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ 5 वोल्ट लो वोल्टेज का है और बिल्ट इन पीटीसी एंड सीआईडी सर्किट प्रोटेक्शन के साथ आता है, जिसमें सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। सो ओवरऑल मेरे लिए तो ये गीक एयर 4 इंच रिचार्जेबल मिनी फैन बहुत ही ज़्यादा मस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अब इसके बिना अपनी लाइफ नहीं सोच सकती। और आने वाले गर्मी में तो सच्ची में मैं बता रही हूँ, मेरे लिए तो ये बेस्ट चीज़ हो गई है। उसी के बाद सबसे लास्ट में वायरलेस वैक्यूम क्लीनर दिखा रही हूँ मैं आपको, जो कि हम औरतों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो यह है गीक का ग्लैंटोर A8 वैक्यूम क्लीनर, जो कि वायरलेस है, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल हो जाता है। मैं इसे कहीं पर भी लेकर जाकर सफाई कर सकती हूँ अब आसानी से, चाहे मेरा घर हो या मेरी कार हो, हर जगह मुझे सफाई करना अभी काफ़ी ज़्यादा आसान लगता है इसकी वजह से। ये आता है 2200 mAh चार्जेबल लिथियम बैटरी के साथ। इसे मुझे 4 से 5 घंटे अच्छे से चार्ज करना पड़ता है। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं ना, इसे निकालना काफ़ी आसान है, बस एक क्लिक किया ये बाहर निकाल लिया और इसे चार्ज कर लिया। चार्ज करके 4-5 घंटों के बाद इसे यूज़ कर लिया, देखिए कितने आसानी से ये लग भी जाता है। और 25 से 40 मिनट की सफाई मैं आराम से इससे कर लेती हूँ। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, ये इनबिल्ट नैनो डस्ट फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक डस्ट कैप्चर करने की जो ये टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं आपको पक्का बताऊंगी कि ये हर तरह का जो डस्ट है उसे सक कर लेता है, जो हमें कई बार दिखती नहीं है ना डस्ट, उसे भी ये ले लेता है। ये डुअल स्पीड के साथ आता है। अब ये डुअल स्पीड सक्शन सिस्टम जो है, इसे लो और हाई सक्शन स्पीड देता है। लो सक्शन स्पीड हो गया 4000 PA और हाई सक्शन स्पीड हो गया 7500 PA। तो इससे क्या होता है कि क्लीनिंग जो है फास्टर हो जाती है, और इसकी मदद से डिफरेंट मोड में मैं आराम से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो अभी वो जो वायर की झंझट थी ना, वो मेरे साथ रही नहीं है, वो वायर रही नहीं है। तो इसका ये जो वैक्यूम क्लीनर है, ये ज़ीरो वायर के साथ आता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। काफ़ी आसान तो है ही है, इसकी ये सारे जो अटैचमेंट है इन्हें आप बस अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो। चाहे सोफ़ा क्लीन करना है, कारपेट क्लीन करना है, लैपटॉप क्लीन करना है, आराम से एक एक अटैचमेंट निकल जाता है, आराम से एक एक अटैचमेंट लग जाता है और बस क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हो गए इसके मल्टीपल एक्सेसरीज़, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ये मैं वुड पर भी यूज़ कर सकती हूँ, टाइल्स पर भी यूज़ कर सकती हूँ, शेल्फ़ हो, कबर्ड्स हो, कर्टन हो, कहीं पर भी, सोफ़ा, डोरमैट, कार, कारपेट, कहीं पर भी इसे मैं यूज़ कर सकती हूँ आराम से। और इसका ये जो माइक्रोफाइबर ब्रश है ना, ये क्या करता है, क्विक डस्ट को कलेक्ट कर लेता है। और इसका ये जो हार्वर्ड क्लीनर है ना, ये काफ़ी मुझे पसंद आया। बस एक बार क्लिक करो और सारी जो गंदगी इसके अंदर आ गई है, जो आप देख सकते हैं ना, वो बस एक क्लिक में आप जहाँ पर आपका डस्टबिन है वहाँ पर निकाल लो। सो इतना आसान हो जाता है इसे इस्तेमाल करना मेरे लिए, मतलब आप खुद देख कर इसे समझ सकते हैं। ये काफ़ी हल्का फुल्का है, आराम से सफाई हो जा रही है, जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो ये सारी सॉल्व कर देता है। तो डेफिनेटली मेरे लिए ये बजट में बेस्ट ऑफ बेस्ट वायरलेस वैक्यूम क्लीनर है, बेस्ट ऑफ बेस्ट। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि तीनों में से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और हाँ, सबकी परचेस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन पर आराम से ये अवेलेबल है, तो ज़्यादा आपको दिक्कतें होने नहीं वाली है, क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों ने भी ये वीडियो देखकर तो मन बना ही लिया होगा कि आपको भी इनमें से कुछ तो चीज़ें लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी यूज़फुल थी तो एक हाथ दो तो आई एम श्योर कि आपने लेने का मन बना ही लिया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आपके घर में कुछ नया अप्लायंसेस ऐसा ही आया है तो बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।